This video is brought to you by Login Academy. It is referencing New Syllabus Mathematics Book D, and it covers Chapter 8, Area of Some Geometrical Shapes. इस वीडियो में हम बात करेंगे एक और शेप की, जिसे हम रेक्टेंगल के नाम से जानते हैं। इस शेप की हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। प्रॉपर्टी नंबर वन, इट्स अ क्वाड्रिलेटरल शेप, यानी कि एक ऐसा शेप जिसकी फोर साइड्स होती हैं। या आप देख सकते हैं, एक साइड ये है, एक साइड ये है, एक साइड ये है और एक साइड ये है। इसके अलावा इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास ये है कि इसका हर इंटीरियर एंगल, यानी कि दो लाइनों के दरमियान बनने वाला एंगल 90 डिग्री का होता है। या आप देख सकते हैं कि ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, इन दोनों के दरमियान भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, और इन दो लाइंस के दरमियान भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, और इन दोनों लाइंस के दरमियान भी 90 डिग्री का एंगल ही बन रहा है। इसकी थर्ड प्रॉपर्टी ये है कि इसमें भी हमारे पास पेयर होते हैं ऑपोजिट साइड्स के, यानी कि दो दो साइड ऐसी होती हैं जो कि आपस में दूसरे के ऑपोजिट होती हैं। या आप देख सकते हैं, ये साइड इस साइड के ऑपोजिट है, ये साइड इस साइड के ऑपोजिट है, यानी कि ये दोनों साइड्स, ये वाली और ये वाली साइड आपस में दूसरे के आमने सामने हैं, और ये दोनों साइड आपस में एक दूसरे के आमने सामने हैं। एक और प्रॉपर्टी है हमारे पास, प्रॉपर्टी नंबर फोर, कि इसकी तमाम ऑपोजिट साइड्स आपस में दूसरे के पैरेलल होती हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसकी जितनी भी ऑपोजिट साइड्स हैं, लाइक दिस, ये एक ऑपोजिट साइड है, ये एक ऑपोजिट साइड है, ये आपस में दूसरे के पैरेलल हैं, ये एक ऑपोजिट साइड है और ये एक ऑपोजिट साइड है, ये आपस में दूसरे के पैरेलल हैं। लेकिन ये जो साइड है, ये और ये पैरेलल नहीं है, ये दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। यहाँ देख सकते हैं, इसी वजह से ये 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रही हैं ये दोनों लाइंस। बिल्कुल इसी तरह से ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, इसलिए 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है। बिल्कुल इसी तरह से ये लाइन और ये लाइन आपस में दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। प्रॉपर्टी नंबर फाइव, तमाम अपोजिट साइड्स लेंथ में इक्वल होती हैं। जैसे कि हमने स्क्वायर में देखा कि स्क्वायर में तमाम साइड्स लेंथ में इक्वल होती हैं, लेकिन रेक्टेंगल शेप में ऐसा नहीं है। इसमें सिर्फ और सिर्फ ऑपोजिट साइड ही लेंथ में इक्वल होती हैं। जैसे ये एक साइड है, ये एक साइड है, ये ऑपोजिट हैं, तो ये आपस में इक्वल होंगी। लेट्स से अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 सेंटीमीटर होगा। बिल्कुल इसी तरह से ये एक साइड है जो कि पैरेलल है इसके और ऑपोजिट भी है, तो इसलिए इन दोनों साइड्स के दरमियान या इन दोनों साइड्स की जो मेजरमेंट होगी वो सेम होगी। लेट्स से अगर ये 7 सेंटीमीटर है तो ये भी 7 सेंटीमीटर ही होगी। ये एक साइड है हमारे पास जिसे हम लेंथ कहते हैं, और ये एक और साइड है हमारे पास रेक्टेंगल की जिसे हम ब्रेथ के नाम से जानते हैं। अब यहाँ हमने दोनों जगह पर रेक्टेंगल की जो साइड्स हैं उनको एक डिफरेंट नाम दिया। इस साइड को हमने नाम दिया लेंथ का, और इस साइड को हमने नाम दिया ब्रेथ का। उसका रीज़न ये है कि आप अगर आप डायमेंशंस को देखें तो यहाँ डायमेंशन है 10 सेंटीमीटर और इसकी डायमेंशन है 7 सेंटीमीटर। इसकी डायमेंशन है 10 सेंटीमीटर, इसकी डायमेंशन है 7 सेंटीमीटर। तो वो तमाम डायमेंशन जो कि आपस में सेम होती हैं उनको हम सेम नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल, ये एक ब्रेथ है तो ये भी इसकी ब्रेथ है। लाइकवाइज, ये लेंथ है तो ये भी लेंथ ही होगी। रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है हमारे पास लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। ये आप देख सकते हैं, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, यानी कि अगर हम लेंथ को ब्रेथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इस रेक्टेंगल शेप का एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। ये हमारे पास एक रेक्टेंगल शेप है और इसका एरिया का फॉर्मूला है हमारे पास लेंथ इनटू ब्रेथ। इस फॉर्मूले को यूज़ करते हुए अब हम इस रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हम इस रेक्टेंगल को डायमेंशंस देते हैं। ये लेट्स से 20 सेंटीमीटर है, ये भी 20 सेंटीमीटर है, और ये हमारे पास 10 सेंटीमीटर है, और ये भी 10 सेंटीमीटर है। सबसे पहले हम इसके फॉर्मूले को एब्रिविएट करेंगे, लेंथ इनटू ब्रेथ वैल्यूज पुट करेंगे। लेंथ की अगर आप वैल्यू देखें तो हमारे पास है 10 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ देखें तो ये है 20। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर
20। और ये इसकी यूनिट है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर पावर इसकी 1। और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 20 मल्टीप्लाई बाई 10 इज इक्वल्स टू 200 सेंटीमीटर, 1 + 1 इज इक्वल्स टू 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से हम इस फॉर्मूले को यूज़ करते हुए रेक्टेंगल का ये जो एरिया है, जो ब्लू सरफेस से या ब्लू कलर से आपको नज़र आ रहा है, इसका एरिया निकाल सकते हैं।